तेरे इस चलने पे मैंने कुछ लिखा है, पब्लिक को दे दूंगा ज्ञान तेरा। ओ मैडम जी मैं तेरा भाई नहीं है, धीरे चल कोई गाय नहीं है। सो वेलकम बैक टू द बीएस बच्चन सिंह। आज की इस वीडियो में हम जो है बात करने वाले हैं मीवी रोम वाटरप्रूफ ब्लूटूथ स्पीकर के बारे में। ये एक पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर है जिसको कि आप अपने पॉकेट पे रख के आसानी से कहीं पे भी ले आ सकते हैं, और इसमें काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी आती है और काफ़ी पंची अच्छा बेस भी आपको मिल जाता है, और 4 से 6 घंटे की बैटरी लाइफ इसके अंदर आपको जो है मिल जाती है। ये वाटरप्रूफ है, इसके लिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं बाकी की स्पेसिफिकेशन बॉक्स के पीछे। यहाँ पर वाटरप्रूफ IP67 की इसको जो है रेटिंग मिली है, तो यहाँ पे बॉक्स के पीछे आप बाकी की डिटेल पढ़ सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको अच्छे से पता लगे, क्योंकि यहाँ पे मैं वाटर टेस्ट भी करने वाला हूँ और साथ ही साथ में इसकी साउंड क्वालिटी भी मैं आपको सुनाऊंगा, और इसके जो बॉक्स कंटेंट क्या क्या मिलते हैं वो दिखाऊंगा, और क्या क्या फीचर्स इसमें आपको जो है देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर मीवी और रोम की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी बॉक्स के इधर उधर, और बॉक्स के सामने आप देख सकते हैं स्मॉल साइज बिग साउंड करके इस तरह से मेंशन किया गया है। और जैसे हम बॉक्स को ओपन करते हैं तो सबसे पहले काफ़ी खूबसूरत ये मिनी ब्लूटूथ स्पीकर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी कूल है और कॉम्पैक्ट है। काफ़ी आसानी से इसको जो है अपने साथ आप ले आ सकते हैं। ये एक पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर है तो साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से जिस जो इस स्पीकर का साइज़ है इसके हिसाब से बहुत ज़्यादा मेरे को लगी। बॉक्स के अंदर के कंटेंट की बात करें तो एक USB केबल आपको देखने को मिलती है और एक ऑक्स केबल आपको देखने को मिलती है, जिससे कि आप मोबाइल से डायरेक्टली प्ले कर सकते हैं, और ऑक्स USB केबल से आप जो है चार्जिंग कर सकते हैं। एक यूजर मैनुअल मिलता है जिसको कि आप पढ़ के काफ़ी अच्छी नॉलेज इस स्पीकर के बारे में ले सकते हैं। छोटी छोटी इंस्ट्रक्शन आप इसमें जो है पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसके बाद ब्लूटूथ स्पीकर पे जाने वाले हैं। आप देख सकते हैं इसके पीछे भी कुछ लिखा हुआ है, इसमें 800 mAh की बैटरी आपको देखने को मिलती है, जो कि 4 से 6 घंटे का बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलेगा। इसकी डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छा है। ऊपर की तरफ से आपको एक कपड़ा टाइप का मिलता है, असली जो स्पीकर है सील वगैरह वो सब कपड़े के पीछे है, और यहाँ पे आपको एक इस तरह से स्ट्रैप मिलती है जिसको कि आप आसानी से पकड़ सकते हैं और कहीं पे भी टांग सकते हैं। इस तरह से आप इसको जो इस्तेमाल में ला सकते हैं। पीछे आप बाकी की डिटेलिंग पढ़ सकते हैं, चार्जिंग इनपुट और बैटरी कैपेसिटी, और बाकी के ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पे आपको एक माइक मिलता है जो कि आपको कॉलिंग वगैरह में यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको एक LED इंडिकेटर मिलता है जो कि चार्जिंग वगैरह शो करेगा या फिर बैटरी लाइफ शो करेगा। और कुछ यहाँ पे बटन्स मिलते हैं, ये बटन भी इस तरह से बिल्ड किए गए हैं ताकि ये स्पीकर वाटरप्रूफ बना रहे। इस तरह से कवर किए गए हैं बटन, बाहर से थोड़ा सा प्रेस करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, थोड़ा सा जोर ज़्यादा लगाना पड़ सकता है, बट ये एक अच्छी चीज़ है कि वाटरप्रूफ है, तो इसके लिए आपको इस तरह के बटन इसमें जो है देखने को मिलते हैं। ये दो बटन मल्टी फंक्शनल हैं, अगर आप कॉलिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो कुछ डिफरेंट में काम में ले सकते हैं, अगर म्यूजिक के लिए तो फर्स्ट वाला प्ले पॉज के लिए, बाकी जो प्लस माइनस वॉल्यूम वाले हैं सिंगल प्रेस में आप जो है वॉल्यूम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लॉन्ग प्रेस में आप नेक्स्ट सॉन्ग या फिर प्रीवियस सॉन्ग कर सकते हैं, और जो पावर बटन है उसको लॉन्ग प्रेस में आप जो है पावर ऑन या ऑफ कर सकते हैं, और सिंगल प्रेस में अगर आप कॉलिंग पे हैं तो कॉल एक्सेप्ट या फिर एंड कर सकते हैं। और इस पोर्ट को अगर हम खोलेंगे तो अंदर आपको चार्जिंग पोर्ट मिलता है और एक ऑक्स के 3.5 mm ऑडियो जैक मिलता है, और इसका जो कवर है वो भी इस तरह से बिल्ड किया गया है। अगर आप इस कवर को लगाएंगे इसके ऊपर से तो ये एकदम वाटरप्रूफ बन जाएगा, यानी कि पानी की बूंदें अंदर नहीं जाएंगी। कुछ इस तरह से आप अपनी जो है चार्जिंग केबल और ऑक्स केबल अटैच कर सकते हैं। तो ये तो रही बिल्ड क्वालिटी और ओवरव्यू के बारे में बात। अब हम आगे को साउंड टेस्ट करने वाले हैं और वाटरप्रूफ टेस्ट करने वाले हैं, तो आप जो अच्छे से देख के ज़्यादा अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसकी प्राइस गाइस लगभग 1400 के आसपास है, कभी कम ज़्यादा भी होती रहती है अमेजोन के ऊपर, लेकिन आप वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी वहाँ पर जाके एक बार अच्छे से चेक कर सकते हैं, और बाकी जानकारी के लिए mevi.in पर जाके लॉग इन कर सकते हैं। और डिज़ाइन के हिसाब से मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, आप आसानी से अपने पॉकेट पे रख के कहीं पे भी ले जा सकते हैं, बीच वगैरह पे या फिर स्विमिंग पूल वगैरह पे ले जाके अगर आप सुनते हैं इस तरह से गाने तो वाटर पानी के बूंदे भी पड़ेंगी और पानी में गिर भी जाएगा तो कुछ भी नहीं होने वाला है इसको आसानी से। इस तरह से इन लोगों ने इसको जो है बिल्ड किया है। जब मैं ओपन कर रहा था तो एक्चुअली इसमें चार्ज नहीं था, मैं इसको थोड़ा सा चार्ज कर लेता हूँ, उसके बाद चार्ज कर लिया है मैंने। यहाँ पे देख सकते हैं आप LED इंडिकेटर जल रहा है जो कि चार्जिंग शो कर रहा है, और उसके बाद मैं इसको पावर ऑन करूँगा जो कि यहाँ पे इसका बटन दिया गया, लॉन्ग प्रेस करने पे पावर ऑन हो जाएगा, और उसके बाद बजाते हैं हम कुछ MEVA के गाने।
जो कि डेफिनेटली आपको पसंद होंगे मेरे हिसाब से। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पे ब्लूटूथ ऑन करना है और मीवी रोम सर्च करना है। यहाँ पे मीवी रोम पे जो है कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के बाद आप कोई भी सॉन्ग प्ले करते हैं तो नॉर्मली आप जो है 75% तक भी अगर इसकी जो वॉल्यूम रखेंगे तो भी काफ़ी अच्छा साउंड करता है एकदम फुल पे। एक्चुअली मैं सोसाइटी पे रहता हूँ, यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा लाउड अलाउ नहीं है, इसके लिए मैं थोड़ी देर के लिए फुल आवाज़ में सुना, उसके बाद जो है नॉर्मल आवाज़ में सुन रहा था। बहुत समय बाद लड़की पे गाना, गाड़ी और दारू नहीं दिखाना, सड़क की तरीका है ये प्यार दिखाने का, जेब में ना कोड़ी फिर भी तेरे पे दीवाना। ओ डीजे वाले, ओ बाप दो, ओ डीजे वाले, क्या बोल रहे सब लोग, एमवे बनता है मम्मी बाबा नहीं बल्लू बन जाऊंगा, लड़की बताने में तेरे इस चलने पे मैंने हार्ड में लिखने में, हार्ड में लिखने में अंदर से सॉफ्ट, लेकिन हार्ड में दिखने में बिकता नहीं बेटा, काम मेरा महंगा, बाकी बच्चे मेरे उम्र में लेंगा, ले रे ले दे रे ले, बीवी को कह रे ले आई लव यू, बाकी सारे बच्चे भी दे रे ले, मारामारी कर रे ले, बात से नहीं डर रे ले, चौके में जमा फिर बात भी नहीं कर रे ले, ओ बेटा आँख तो खोल, जो भी मैंने बोला छोटे साथ मेरे बोल बोल बन तेरा, चल छोटे हाथ तो खोल, बाकी बोलूंगा बाद में, चल बंद करिए ढोल। आज भी करता हूँ गलती ना मारे, मैंने पलटी कपाड़े पे सवारी है, सोच तेरे कल के हमारे, मैंने सोचे बीमारी थी कल की, हकला बड़ा चेहरा मेरा, मेहनत से कल की लो, मेरा ना लेता ब्रेक में तो खा लेता प्लेट में तो खा लेगा, बस कर दे इन लापरों को घर भेजू बस करके, अब उन खड़े ले हिप हॉप के दफ्तर पे, तू तो सर दर्द है पीठ पीछे बात किया तो ना मर गए, मैंने नहीं डाला भाव, मेरे भाव बढ़ गए, मेरा धोनी अलग, मेरे बाल बढ़ गए और चाल बढ़ गए, हम बढ़ गए जो भी नहीं बड़ा, मेहनत में कम पड़ गए, अब इतना ज्यादा बोलूंगा तो बम फटेंगे, बम फटेंगे, बम फटेंगे, मेरे एक सारे थोपड़े में जड़े सारे ठोकने का नहीं, ज्यादा ठोकने का नहीं, ठक 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 रोकने का नहीं, सीधा ठोकने का टोकने का नहीं, खुद को रोकने का नहीं, सीधा चलते रहे ताला, लगा ले ताला, बटन दबाया तो बत्ती उजाला, सब कुछ इज्जत कमाना, इज्जत गवाया तो चलते रे बाला, क्यों लगा बता दिखा बचा कहा, मेरे जैसा किसी का यहाँ फ्लो है, काफी बच्चे कर रहे हैं कोशिश, नहीं हो रहा इनसे, ये बहुत सारा फ्लो है, बहुत सारा फ्लो है मेरे पास, सुना नहीं अभी तो शुरुआत है, भी तो सुना नहीं, लिखा पिटी किया कम मारा पिटी बीट पे, ध्यान दे रहा को ध्यान दे रहा बीट पे, ध्यान दे ध्यान दे ध्यान दे, सो गाइस सारे वाटर ट्रस्ट देखने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, वाटर मतलब पानी में अच्छी तरह से मैंने भिगाया, उसके बाद भी इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत जो है देखने को नहीं मिली। उसके बाद मैंने इसको कपड़े से पोंछ लिया था तो फिर से सेम उसी वॉल्यूम पे जो है एकदम फुल वॉल्यूम पे गाना जो है बज रहा था और काफ़ी अच्छा साउंड दे रहा था। मेरे हिसाब से एक अच्छा पोर्टेबल स्पीकर है, अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय नाउ।